ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने क्राइम ब्रांच अफसर बनकर लोगों को ठगने वाले आरोपी को पकड़ा है। लेन देन के मामले में व्यापारी को धमकाकर फर्जी क्राइम ब्रांच अफसर बनकर इसके द्वारा धमका जा रहा था। फर्जी अफसर ने व्यापारी को फोन कर सोमवार को मिलने बुलाया था। फरियादी क्राइम ब्रांच दफ्तर में पहुंचा तो मामले का खुलासा हुआ। क्राइम ब्रांच ने फर्जी क्राइम ब्रांच कर्मी को पकड़ा है। झांसी का रहने वाला इस आरोपी को बताया जा रहा है। इसका नाम आशीष पांडे है। वह खुद को क्राइम ब्रांच कर्मी बता रहा था। नाम है आपका? राजकुमार शर्मा जी। राजकुमार जी, बताइए किसने आपको फ़ोन किया, क्या बनकर क्या कहकर फ़ोन किया, बताइए। आशीष गुजर नाम बोला उसने। हाँ। मेरे से बोला कि आपको पैसे का लेन देन है, आपको किसी को पैसे देना है। हाँ। आपकी शिकायत आई है। हाँ। मैं कहाँ से शिकायत आई? वो क्राइम ब्रांच। हाँ। मैं क्राइम ब्रांच के बोले साहब के पास शिकायत आई है। हाँ। साहब ने बोला है कि इसको आप डील करिए। हाँ। मुझे देखना है। हाँ। आप आके मेरे से मिलिए। हाँ। मैंने कहाँ पर? तो बोले आ जाइए मेरे से मिलिए। मैंने कि मैं क्राइम ब्रांच आ जाऊँगा। हाँ। ये बात है शनिवार की। हाँ। तो मैंने ठीक है सोमवार को आता हूँ। लेकिन मैंने कल इतवार है, छुट्टी रहेगी। तो आज मैं ऑफिस आया, थाटीपुर वाले का बताया था कि थाटीपुर पे आइए। थाटीपुर साहब ने इसका जब मैंने नंबर दिया कि सर आपने मेरे को बुलाया है, बोले हमने तो नहीं बुलाया, क्या है? उन्होंने फ़ोन लगाया तो पता चला ये फर्जी है। क्या फर्जी क्या बनकर बता रहा? इन्होंने बोला कि मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ और मैं काम आपका केस देख रहा हूँ। सर ने बोला कि आपका ऑफिस से आपने शिकायत कर दी? शिकायत कर दी मैंने, उसी समय लिखित में आवेदन दिया था। अभी उसको उठा लाए हैं और यहाँ पे आ चुका है। कहाँ रहता है ये, क्या करता है, ये मुझे जानकारी नहीं है। ये कल भी और आज सुबह हमारे पास एक शिकायत करता आया था। उसका कहना है कि कोई एक व्यक्ति क्राइम ब्रांच का कर्मचारी बन के उसको फ़ोन कर रहा है, धमका रहा है और उसको इस तरीके से धमकी दी जा रही है कि किसी एक्स आदमी के पैसे लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ क्राइम ब्रांच कार्रवाई करेगी, तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज होगी। उसके बात करने के लहजे से संभवतः जो शिकायतकर्ता है उसको शक हुआ होगा और अभी जो शिकायतकर्ता को पूरी तरह से सुना गया तो जो पूरा प्रकरण जिस चीज़ को लेकर धमकी दी जा रही थी उसमें वो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि जब मेरी गलती ही नहीं है तो मतलब उसको पुलिस की कार्रवाई का डर नहीं था और उसको लग रहा था कि जब पुलिस मुझे बुलाएगी तो मैं अपना पक्ष रखूँगा। शायद इसी कॉन्फिडेंस के साथ में वो हमारे पास आया, हमने उसको सुना। जिस नंबर से धमकी आ रही थी उसको हमने लोकेट किया, वो ग्वालियर में चलना हुआ आया गया। तत्काल उस पर टीम लगाई, टीम उसको अभी हिरासत में लेके आए हैं लड़के को। ये लड़का झांसी का रहने वाला है और पिछले 10 साल से यहाँ एक प्राइवेट टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी के लिए ड्राइवर का काम कर रहा है और इसने अपने जो व्हाट्सएप DP है और जो ट्रू कॉलर का जो इसका एक फ़ोटो आ रहा है उसमें भी इसने एक SAF की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और उसी को मतलब शायद उसी अपने आप को पुलिस वाला बता के ही एक इस आदमी को धमका रहा था। अभी इसमें FIR दर्ज हो रही है, इसको हिरासत में ले लिया है और इसके जो बाकी के जो वेयर अबाउट्स हैं वो भी मालूम किए जा रहे हैं कि इससे पहले कहीं कितने लोगों के साथ में कहीं और तो बदमाशी नहीं की है इसने, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से ये बता रहा है कि ये यूनिफॉर्म पहन के इसने फ़ोटो लगा रखा है और जो DP है वो लगा रखी है। अब वो एक जांच का विषय है या फिर कोई फरियादी हमारे सामने और आता है तो और चीज़ें मालूम चलेंगी, किसी और को तो इसने इस तरीके से तंग नहीं किया। हाँ, ये इसका क्राइम ब्रांच में ही होना बता रहा था। इसका कहना था कि क्राइम ब्रांच के ऑफिस में आ जाना या फिर थाटीपुर में आ जाना, इस तरीके से ये कुछ बकवास कर रहा था। और लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों के माध्यम से मैं जो कहना चाहूँगा आम पब्लिक के लिए भी कि इस तरीके की चीज़ें पहले भी आई हैं और ये आखिरी भी संभव तो नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरीके के मिस्क्रियंस रहते हैं। अगर कोई आदमी आपको पुलिस डिपार्टमेंट का होके अगर आपसे फ़ोन कॉल पर बता रहा है, धमकी दे रहा है, बुला रहा है, आप संबंधित थाने पर जाइए, आप संबंधित अधिकारी के पास जाइए और उसको वेरीफिकेशन कीजिए, वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही उसमें आगे के आप स्टेप लीजिए, क्योंकि इस तरीके के नोटोरियस लोग भरे पड़े हैं। हालांकि अभी इसके खिलाफ हम अच्छी से अच्छी और कठोर से कठोर कार्रवाई करके माननीय न्यायालय के सामने पेश करेंगे।